रमजानुल मुबारक के बाद अगर किसी महीने को सबसे मुकद्दस और बाफजीलत तस्लीम की गई है तो वो माहे शाबान है। इस बाबरकत महीने के निसफ रात को एक अजीम मकाम हासिल है, जिस रात तकदीर के बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं और तमाम मखलूकात के मामलात, उम्र, रिज्क और मौतो हयात तजवीज़ की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में चार ऐसे मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं जिन्हें अजीम कामों के लिए मुकर्रर किया गया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनका काम अल्लाह की किताबें और पैगाम पैगंबरों के पास लाना था। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश, मौसम और मखलूकात की रोज़ी वगैरह के कामों पर मुकर्रर हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। और मलकुल मौत यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो मखलूकात की जान निकालने पर मुकर्रर हैं। लिहाजा अहदीस में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब उस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी उस रात में लिख दिए जाते हैं, और उस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और उसमें लोगों का मुकर्रा रिज्क उतारा जाता है। रिवायतों में आता है कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रा वक्तों पर कब्ज़ करना। तो उस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फिक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है, कोई घर बंगला बना रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों के फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त उस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है और उसके बच्चे भी होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में शामिल होता है।